समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमिक जामई ने योगी सरकार की शिक्षा नीति को विफल बताया है। उन्होंने कहा कि संस्कृत या मदरसा बोर्ड की हालत बदहाल है, शिक्षक की तनख्वाह देने तक में सरकार नाकाम है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि पहले नकल माफियों के भरोसे शिक्षा व्यवस्था चला करती थी, सरकार ने सभी स्तर पर शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन किए हैं। ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या थमी है, स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ी है। 3% बच्चों की तो आपको बड़ी फिक्र है। अगर आप चाहते हैं रजिस्ट्रेशन नहीं, जिनका नहीं है तो आप उनका रजिस्ट्रेशन कराने का एक ड्राइव चलाइए। मदरसा बोर्ड में जो जेन्युइन टीचर्स हैं, योगी जी की सरकार के भी मुताबिक 2017 समाजवादी पार्टी की सरकार जाने के बाद आज तक उनका मानदेय क्यों होल्ड है? अगर आपका शिक्षा नीति पर कोई क्लियरेंस नहीं है तो आप सिर्फ लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। के समय में नकल माफियाओं के भरोसे पूरी शिक्षा व्यवस्था चला करती थी। जिनके लिए स्वयं काला अक्षर भैंस बराबर था, वो शिक्षा व्यवस्था पर टिप्पणी ना करे तो बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से चाहे बुनियादी शिक्षा हो या माध्यमिक या उच्च शिक्षा या मदरसा शिक्षा बोर्ड हो, हमने सभी जगह पे आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया।